फकर मियां, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आपको भी कोरिया, कोरियन स्किन केयर, कोरियन मेकअप, कोरियन फैशन, के ड्रामा, ये सब बहुत पसंद है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जैसा आप सबको पता है, मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इतने दिन बाद आ रही हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो वीडियो बनाऊं जिसकी मुझे हद से ज्यादा रिक्वेस्ट आती है और मुझे पर्सनली भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आप सबको पहले ही बता दे रही हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ कोरियन मेकअप, ये मेरी पहली वीडियो है जब मैं फुल फेस ऑफ कोरियन मेकअप करने वाली हूँ। और मैं पहले बता रही हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, एकदम परफेक्ट भी नहीं हूँ। मैंने खुद से पहले ट्राई किया है बट मुझे नहीं पता कि वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं, बट आज मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और मुझे काफ़ी टाइम से करनी थी, तो मैंने सोचा अब मैं फाइनली जाके बना लेती हूँ। सो बिना कोई देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कोरियन स्किन केयर। वो लोग सबसे पहले बहुत ज़्यादा अपने फेस पे स्किन केयर करते हैं, उसके बाद अपना मेकअप शुरू करते हैं, जो कि बेस्ट पार्ट है। और ये देखते देखते, इतना इंटरनेट पे आप सबको पता है कितनी वीडियोस होते हैं, देखते देखते ना मुझे भी इतनी अच्छी हैबिट हो गई है इतना ज़्यादा स्किन केयर करने की। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले मैं बहुत कम स्किन केयर करती थी और मुझे उतना ज़्यादा पता भी नहीं था, बस स्लोली स्लोली जैसे मैं चीज़ों को सीखती गई मुझे आता गया और मैं भी स्किन केयर करने लगी हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेकअप भी बहुत अच्छा होता है, फेस भी बहुत अच्छा रहता है, हाइड्रेटेड रहता है, ग्लो करता है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ लेनेश का टोनर एंड मॉइस्चराइजर। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहता है एंड मेकअप भी बहुत अच्छा होता है इसके ऊपर। तो मैं इसे ना 3-4 ड्रॉप्स लेती हूँ और अपने फेस पे पैट पैट करती हूँ। सी, अभी से ग्लो दिखना शुरू हो गया। सो इस वीडियो के लिए मैं सारा कोरियन स्किन केयर नहीं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, जितने हैं मैं उतने ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो और भी है बट मैंने ऐसे कुछ सोच के लाए नहीं कि मैं कोरियन मेकअप ही यूज करने वाली हूँ इस वीडियो में। मैं सब यूज कर रही हूँ, बस मैं लुक वो क्रिएट कर रही हूँ, मैं अब कोई भी मेकअप यूज कर लूंगी उसके बाद। सो सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है द ऑर्डिनरी का नाइसिलमाइड। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरे फेस को पहली बात तो ग्लो करता है। ये हमें डेली यूज़ करना चाहिए इवनिंग एंड मॉर्निंग में, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। और मैं इसको रोज़ यूज़ करती हूँ मेरे स्किन केयर रूटीन में और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखा है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर मुझे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स आ गए थे, तो वो कम हो गए हैं और स्किन को भी बहुत अच्छा ग्लो देता है ये। 1, 2 थर्ड आई यूज द राइस शॉप का राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजर। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरे फेस को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट रखता है एंड बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और इसमें जो इसकी स्मेल है वो एकदम बेबी पाउडर नहीं होता है जॉनसन का, वैसी आती है, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे स्मेल करती रहती हूँ। सो नेक्स्ट आई यूज दिस कॉसरेक्स का स्नेल म्यूसिन, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ पता नहीं, बट आप सबको इस प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है ये प्रोडक्ट इंटरनेट पे कितना ज़्यादा छाया हुआ है और ये कितना ज़्यादा अच्छा है, फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है और कितना अच्छा ग्लो देता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं रोज़ यूज़ करती हूँ इसको। और पहली बात तो देखो मैंने कितना इसको खत्म कर दिया, मैंने 2 बॉटल और ऑर्डर किए। इसको अपने स्किन केयर में कभी मिस नहीं करती हूँ मैं। सो डन। लास्ट बचा है सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सनस्क्रीन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक्वालॉजिका का ग्लो डुइट सनस्क्रीन। सो
सो हमेशा हमको सनस्क्रीन जो है अपने टू फिंगर जितना यूज करना चाहिए. दिख रहा है? यस, इतना. ये सनस्क्रीन में बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं आता है और ये बहुत बहुत इजीली ब्लेंड होता है. सी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहता है, गायब हो जाता है अभी थोड़ी देर में ना, ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने मेरे फेस पे सनस्क्रीन लगाया कि नहीं. सो स्किन केयर हो गया है, अब बढ़ते हैं मेकअप की तरफ. जैसा आप सबको पता है कोरियन मेकअप में बहुत ज्यादा फाउंडेशन, लिपस्टिक, बहुत ज्यादा आई शेडो, कॉन्टोर ये सब नहीं होता है. उनका मेकअप काफी ज्यादा नेचुरल और सटल रहता है, तो हम उसी तरीके से करेंगे. तो पहला प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ मिशीमी कॉस्मेटिक्स का बीबी क्रीम. जितनी मुझे इस लुक को क्रिएट करने के लिए कवरेज चाहिए मुझे इसमें परफेक्ट मिल जाएगी. ये बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथली ये ग्लाइड हो जाता है मेरे फेस पे और जितने अनइवन स्किन है मेरी वो इवन हो जाती है और जितने डार्क स्पॉट्स है और जैसे आप यहाँ पे पिंपल्स देख सकते हो, डार्क सर्कल्स है, ये सब हाइड कर देता है. सो मैं थोड़ा यहाँ लगाऊंगी, थोड़ा मेरे फोरहेड पे, थोड़ा इधर. सो मैं इसको अपने फिंगर से ही ब्लेंड करने वाली हूँ. वाओ, आप देख रहे हो कितने स्मूथली ये ब्लेंड हो रहा है मेरे फेस पे, कितने अच्छे से ग्लाइड हो रहा है. सी लुक एट द डिफरेंस, ऐसे यहीं पे थे बट वो कितने अच्छे से हाइड हो गए हैं. आप सब ग्लो देख सकते हो इसको लगाने के बाद, मेरी स्किन मैट नहीं हो गई है, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है और कितने अच्छे से मेरी स्किन में ब्लेंड हो गया है. बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा है और एकदम फिल्टर जैसा इफेक्ट आ गया, ऐसा लग रहा है मेरे फेस पे. आई लव दैट. सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ एल्फ का ब्रो एंड लैश जेल. कोरियंस के आईब्रोज जो होती है वो बहुत ज्यादा नेचुरल होती है, बहुत ज्यादा उनको फिल भी नहीं करते हैं वो लोग. सो मैंने इतना चीज सीखी है कैसे वो लोग अपने आईब्रो बनाते हैं, मैं आप सबको बताती हूँ. सो स्टार्टिंग में ना वो ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको वो लोग नीचे लेके आते हैं और फिर ऐसे करके ना शेप देते हैं. सो देख रहे हो कुछ ऐसे करके आती है वो, स्टार्टिंग में ऐसे और फिर इस तरफ कुछ ऐसे. सो कुछ नेचुरल लगता है आपको, फर्क समझेगा नहीं बट जब मैं फिल करूंगी तो आपको समझ में आएगा. बहुत नेचुरल लगती है और अच्छी भी दिखती है. वैसे मेरी नेचुरल जो आईब्रोज है वो भी कुछ सेम ही सेम लग रही है, ज्यादा कुछ फर्क दिख के नहीं आ रहा है मुझे तो. अरे ये कहाँ से आ गया? हाई कर दो सबको, मैं आपको हाई करने के लिए बुला रहा हूँ. हाई कर दो. हेलो, हाय लोलो, कितने दिन बाद दिखा हो रही हो सबको, कितना बड़ा भी हो गया है ना. से हाय. हाय हाय कोरियन फैम. चलो मैं इसको बाहर छोड़ के आती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया. इसने मेरा आईब्रो पेंसिल भी तोड़ दिया, टेढ़ा कर दिया. सो नेक्स्ट मैं आईब्रो फिल करूंगी और उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ एल्फ का इंस्टेंट लिफ्ट पेंसिल. बहुत हल्के हाथ से मैं बस फिल करूंगी, बहुत ज्यादा फिल नहीं करूंगी और शेप भी नहीं देने वाली हूँ. जो मेरे नेचुरल आईब्रोज है मैं बस उनको ही, जहां जहां पे गैप है उधर ही मैं फिल करने वाली हूँ, कुछ इस तरह. अब आपको फर्क दिख रहा है मेरे दोनों आईब्रोज में. ऑफ कैमरा मैं ये वाली भी करके आती हूँ. नेक्स्ट लेंगे हम पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर. मैं थोड़ा सा लूंगी और अपने आईज पे एकदम हल्के हाथों से लगाऊंगी. अब बढ़ते हैं आई शेडो की तरफ और मैं ले रही हूँ मॉर्फे की पैलेट वॉल्यूम 2. इसमें से एकदम लाइट शेड चूज करने वाली हूँ मैं अपनी आईज के लिए. सो मुझे कुछ पिंक चाहिए, तो पिंक इसमें बहुत ज्यादा डार्क है, ये न्यू शेड्स है,
तो इनमें हम ये वाला लेते हैं। नहीं बट मैंने काफी वीडियोस में देखा है वो अपने आईज के नीचे ना ऐसे आई बैग्स बनाते हैं ताकि वो और अच्छा दिखे। मुझे नहीं पता क्यों बट मैं वैसा करने वाली हूँ। तो मैं यूज कर रही हूँ एल्फ का ब्राउन आईलाइनर। सो कुछ इस तरह आप डिफरेंस देख सकते हो। उनका जो नीचे का आईलाइनर होता है वो बहुत अलग टाइप का होता है। सो वो कुछ इस तरीके से लेके आते हैं और फिर उसको कुछ ऐसे करते हैं। सो उनके आईलाइनर का जो तरीका है वो बहुत मोटा आईलाइनर नहीं लगाते। उनका जो आईज का ये जो कॉर्नर होता है इस पे ही वो लोग कुछ इस तरीके से लेके आते हैं और फिर उसको फिंगर से ऐसे कर देते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे और ऐसे लगे ना कि कुछ आईलाइनर जैसा लगाया। आई डोंट नो मैं वहाँ तक पहुँच पा रही हूँ कि नहीं बट जितना मुझे समझ रहा है और मैंने सीखा है वो कुछ इस तरीके से ही करता है। तो अब बढ़ते हैं कॉन्टोर की तरफ। मैं यूज करने वाली हूँ फेंटी ब्यूटी का कॉन्टोर जिसका नाम है एक्सप्रेसो 05। कॉन्टोर तो बहुत ना के बराबर करना है हमें तो एकदम हल्का सा कि लगे ना हमने कॉन्टोर किया है। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एटीट्यूड का फिक्सिंग टिन। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। सो 2 1 2 ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वैसे ये टिन लिप का है बट मैं इनको चीक्स पे ज़्यादा लगाना प्रेफर करती हूँ बट कैसे भी यूज़ कर सकते हैं टिन्स को तो लिप्स पे भी चीक्स पे भी। ओके ना वो हल्के हल्के ना कम हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज मस्कारा वो है मेबलिन का मस्कारा। इसके लिए मुझे मिरर चाहिए होगा। सो इसके बाद मैं लैशेस को ना एक दूसरे में स्टिक कर दूंगी ताकि वो कोरियन जो लैशेस होती है वैसा इफेक्ट आ जाए। काजल पेंसिल फ्रॉम पैक जो है कॉफी ब्राउन और हल्के हाथों से इसे अपनी आईज के नीचे कुछ इस तरीके से लगाऊंगी और मैं लाइनर से कनेक्ट करूंगी। सेम इस तरफ भी। नेक्स्ट है हाईलाइटर। काफ़ी हाईलाइटर वो लोग लगाते हैं नहीं इसलिए मैं एकदम थोड़ा लगाने वाली हूँ और वो है मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड हाईलाइटर। डन। अब बारी है लिपस्टिक की जो कि कोरियन मेकअप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लिपस्टिक किस तरीके से लगाई जाए क्योंकि वो लोग हम लोगों की तरह नॉर्मल लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। सो मैं बताती हूँ। सो लिपस्टिक के लिए मैंने लिए है मिशीमी कॉस्मेटिक्स मैट लिक्विड लिपस्टिक। दो शेड लिए मैंने शीकमी एंड चेरी चॉकलेट। मुझे एक इफेक्ट बनाना है इसलिए मुझे दो शेड चाहिए इसलिए पहले मैं लूँगी शीकमी और उसे अपने लिप्स के यहाँ पे लगाऊंगी सिर्फ।
अब मैं इसे ड्राई होने दूंगी। ड्राई होने के बाद मैं लूंगी चेरी चॉकलेट और उसे हल्के से इसके ऊपर लगाऊंगी। ये भी मैं ड्राई होने दूंगी। आपने देखा कितना इजिली ग्लाइड हो गए और कितना अच्छा कलर आया दोनों का। दोनों को मिक्स किया तो एक अलग सा कलर बन गया है, वह काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो स्मच प्रूफ है ये। वाओ, ये ड्राई हो गई है और एकदम मैट हो गई है। अब ये मेरे लिप से निकल, अब ये मेरे लिप से नहीं निकलने वाली। सी सो इसके बाद अब मैंने लिया है Etude Dear Darling टिंट। इस टिंट को, क्योंकि ये काफी ज्यादा डार्क कलर है, मुझे रेड नहीं चाहिए था, मुझे वरना मैं चेनोरेटा ले लेती, मुझे एकदम डार्क पिंक चाहिए था, तो मैं इसको अपने लिप्स के सेंटर में लगाऊंगी बहुत थोड़ा सा। ताकि वो ओम्ब्रे इफेक्ट आ सके। तो ये ड्राई हो गया है। अब हमारा है लास्ट स्टेप और वो है मेकअप फिक्सर। मैं यूज करने वाली हूँ पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। लग रहा है मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ इतना सारा लग गया। ओके, ड्राई होने देते हैं इसको। सो मेकअप फिक्सर ड्राई हो गया है और मेरा पूरा मेकअप डन हो गया है। मुझे नहीं पता कि ये कोरियन मेकअप दिख रहा है कि नहीं, बट मैंने मेरा पूरा पूरा ट्राई किया कि मैं वैसा लुक क्रिएट कर सकूं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट प्लीज़ मुझे आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, और आप लोग ट्राई करोगे कि नहीं। सो मैं जाती हूँ, जल्दी से चेंज करके आती हूँ ताकि मैं और ज़्यादा इस कोरियन लुक को ना कोरियन वाइब दे सकूँ आउटफिट और हेयर के साथ। सो सी यू। मेरा ये कोरियन मेकअप एंड कोरियन लुक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं ये वीडियो देख के। मैं आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ, कुछ अलग बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ रिएक्शन ऑन माय फैन एडिट्स पार्ट टू बनाऊँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं जाऊँगा गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।